नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जालौन के मुख्यालय उरई में पिछले कई साल से चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री की मिली मुखबिर की सूचना पर पुलिस एवं स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और सर्विलांस टीम ने छापा मार कर तमाम अवैध असलाह और कारतूस और असलाह बनाने की मशीन भी बरामद की है। मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक आदत बंदूक, 315 बोर की 2 जिंदा कारतूस, एक आदत अदिया 12 बोर, 8 अदद कारतूस 12 बोर, एक अदद 12 बोर, 7 अदद कारतूस 12 बोर जब्त कर लिया है, जिसका आज अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने खुलासा किया है। बता दें कि उरई कोतवाली क्षेत्र के महेशपुरा रोड ग्राम जुझारपुर से करीब सुबह 5:30 बजे असलम के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। कोतवाली पुलिस एवं सर्विलांस स्पेशल ग्रुप ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उनके पास से कई अवैध असलाह और कारतूस और असलाह बनाने के कई सामान बरामद हुए हैं। मामले का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अवधेश सिंह ने बताया है कि ये लोग कई महीनों से ये असलाह बनाने का काम और असलाह बेचने का काम करते हैं, जिसको लेकर आज हमारी एसओजी टीम और सब लाइन्स और सर्विलांस टीम और उरई कोतवाली पुलिस ने बहुत सराहनीय काम किया है, जिसके लिए 5,000 रुपए देने का इनाम घोषित किया है। पकड़े गए अभियुक्तों का नाम गंगाराम पुत्र मुन्नालाल निवासी मोहल्ला हेमंत नगर कस्बा कोच और ब्रजमोहन पुत्र गंगा प्रसाद निवासी ग्राम चमेर थाना कोच और अखिलेश पुत्र रामस्वरूप निवासी कोच बताया गया, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशन में एक अभियान 10 अक्टूबर से चलाया जा रहा था, जिसके तहत जनपद में 2 टीमें गठित की गई थी, एक क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में, जिसमें स्वाट सर्विलांस और प्रभारी निरीक्षक शामिल थे। इस टीम को आज एक अच्छी सफलता हासिल हुई है। करमेर रोड स्थित शंकर राजपूत के डेयरी के अंदर टीन शेड से एक असलाह फैक्ट्री बरामद हुई है, जिसमें बने अधबने कई असलाह बरामद हुए हैं और 7 कट्टे बरामद हुए, जिसमें 5 315 बोर के, उसके साथ कुछ कारतूस और खोखा कारतूस भी बरामद हुए हैं, 2 12 बोर के कट्टे बरामद हुए हैं। इसके अलावा नाल बनाने के लिए जो प्रयोग होता है पाइप, स्प्रिंग और जो सामान होते हैं असलाह बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वो सब बरामद हुए हैं। दूसरी टीम जो हमारी कोच में क्षेत्राधिकारी कोच के नेतृत्व में लगी हुई थी, उसमें हमारे स्वाट के, सर्विलांस के और प्रभारी निरीक्षक शामिल थे। इस टीम को भी अच्छी सफलता असलाह की बरामदगी में प्राप्त हुई है। उसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से 2 अदद 12 बोर के कट्टे और 15 कारतूस और 12 बोर के भी कारतूस बरामद हुए हैं, 1 अदद 115 बोर की बंदूक बरामद हुई है और उसके साथ 2 अदद कारतूस भी बरामद हुआ है। ये कोच की टीम को सफलता प्राप्त हुई। कुल मिलाकर के इस चलाए जा रहे अभियान में हमारे जनपद में शॉर्ट सर्विलांस और जो दोनों क्षेत्र अधिकारियों के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी, इसको अच्छी खासी सफलता मिली है और दोनों टीमों को उत्साहवर्धन हेतु 5,000 रुपये का इनाम भी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घोषित किया गया है।